अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मंसूर अहमद और मैं हूँ इस चैनल का होस्ट। आज की इस वीडियो में होने वाला है कि मैं आपको कम से कम बजट में एक डाइट प्लान बताने वाला हूँ जो कि आप अपने लंच में या फिर अपने पोस्ट वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को दिलचस्प बनाने के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस वर्किंग वाले हैं जो कि अपना मसल गेन करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक कम बजट का प्लान है। इसको आप अपने लंच में भी ऐड कर सकते हैं, डिनर में ऐड कर सकते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने किस तरह डाइट को मैनेज करें। तो इसके लिए आसानी ये होती है कि आप इसको कहीं पे भी ले जाके खा सकते हैं, चाहे आप कॉलेज में या फिर स्कूल में अपने लंच ब्रेक में या फिर अपने ऑफिस वर्किंग आवर्स में लंच तो ब्रेक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या वो चीज़ें हैं। सबसे जो पहली चीज़ है जो कि आपने वो है, हम एक कनौर का नूडल मैगी इस्तेमाल करेंगे जो कि हम अपने डाइट में ऐड करेंगे। तो आप लोग ये मत समझना है कि ये तरुण गिल को फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम खुद भी रिसर्च करके देख कर और किसी और को देख के सीखते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे ये शेयर करूं, क्योंकि मैं खुद भी बना के इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे कोई यानी कि अपने डाइट को भी साथ साथ फॉलो करना होता है या मुझे कुछ टेस्ट भी चाहिए होता है। तो मैं कुछ अपने हिसाब से डाइट को प्लान करता हूँ कम बजट में रहते हुए, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में आपको पता ही है कि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था, तो बजट मेरा कम था और अभी भी बजट मेरा थोड़ा कम ही है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यार कम बजट में मेरी थोड़ी डाइट भी मुकम्मल हो, प्रोटीन सोर्स भी मिले मुझे, फाइबर भी मिले और इसके अलावा मुझे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले। तो उस हिसाब से मैं अपने डाइट को बनाता हूँ और उसमें सबसे पहली चीज़ मेरी ये है कि एक कनौर जो कि आपको तकरीबन 40 से 35 रुपए का मिलेगा, इससे ज़्यादा का भी मिल सकता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया, कम से कम आप इसके लगा ले 50 रुपए इसके आप लगा ले कनौर नूडल्स के। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दूसरी चीज़ क्या होगी, साथ साथ आना मेरे। दूसरा इसके साथ आप लोग क्या ऐड कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे वैरायटीज होंगे जब आप दुकान में जाएंगे। ये तो हमारी अपनी दुकान है माशाल्लाह से, तो इस वजह से मैं अभी शटल बंद करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं इसमें दाल ऐड कर सकता हूँ, तो दाल आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तकरीबन ये चने की दाल है और मूंग भी है, मसूर भी यहाँ पे मौजूद होगा ज़रूर। यहाँ पे नीचे है मसूर की दाल, ये आप लोग मसूर की दाल यानी कि इनमें से आप कोई सा भी दाल इसके साथ मिक्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कि मिक्स किस तरह करना है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कौन सा ऐड करूंगा। अभी जो मैं ऐड करूंगा अपना जो है मसूर की दाल ऐड करूंगा, सही है, तकरीबन 100 से 120 या शायद 150 ग्राम मैं ऐड करूं। तो अगर आप हिसाब लगा लें 100 या 150 ग्राम के हिसाब से, मैंने रिसर्च किया तो मुझे तकरीबन 10 to 11 ग्राम मुझे इसमें से प्रोटीन मिलेंगे पर 100 ग्राम कंज्यूम करने पे दाल की। तो यानी कि यहाँ से 9 और यहाँ से तकरीबन 9 या 10, तकरीबन 18 से 19 ग्राम मुझे यहाँ पे प्रोटीन सोर्सेज मिलेंगी। और तकरीबन ये आप लोग 100 से 150 ग्राम अपने हिसाब से, यानी कि 100 से 150 ग्राम आपको आ जाएगा तकरीबन 50-60 रुपए का शायद मिल जाए आपको। तो ये आपकी डाइट होगी तकरीबन 100 रुपए की, ये एक मैगी हो गया और दूसरा आपकी मसूर की दाल। और इसके अलावा अपना मूंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप जो है चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यानी कि ये 100 रुपए इसके हो गए, सही है, कम बजट की डाइट मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ आप ऐड करेंगे वो मैं बाहर से अभी खरीदूंगा और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आप वो क्या चीज़ होगी। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, तो अभी हमारा डाइट बिल्कुल रेडी हो गया और सिर्फ खाना है। तो मैं एक और आखिरी चीज़ मैं आपको जो बताने वाला था वो हमारे पास होगा, ये खीरे होंगे यानी कि फाइबर सोर्स हमारा हो गया, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम है और इसके अलावा ये प्रोटीन सोर्स। और इसके अंदर तकरीबन मुझे 18 to 20 ग्राम मुझे प्रोटीन मिल रहा होगा और कुछ फाइबर है। तो यही डाइट है हमारी और इसी तरह ही आप अपने डाइट को मैनेज कर सकते हैं। तकरीबन ये हमें 50 रुपये का मिला कनौर का जो नूडल्स था, इसके अलावा ये भी 50 से 60 रुपये का आपको मिल जाएगा, तकरीबन 100 ग्राम या शायद 120 ग्राम या 150 ग्राम। और ये भी 30 से 40 रुपये का खीरा हो गया, तकरीबन हमारा अराउंड 140-150 रुपीज़ का जो है हमारा ये डाइट बन गया है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मैगी के साथ
चिकन भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप एग भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि एग आप को। तो कम से कम बजट में आप लोग इस तरह बना सकते हैं, तो इसके अलावा अपनी बॉडी को जो है ग्रो भी कर सकते हैं इसकी वजह से। और ये खाना जो है आप अपने डाइट में किसी भी वक्त यानी कि डिनर या फिर लंच में ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत बहुत फायदा हुआ होगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।